आज हम बनाएंगे वेजिटेबल स्टिर फ्राई। विंटर सीजन में सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं मार्केट में, तो हमारे पास ऑप्शन होता है हेल्दी खाने का। वेजिटेबल स्टिर फ्राई को हम लंच और डिनर में सर्व कर सकते हैं, या फिर कभी मेहमान कोई घर पे आता है तो हम झटपट से इसे बना के सर्व कर सकते हैं। आज हम इसे विदाउट विनेगर और विदाउट सोया सॉस बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम्स मिनी वर्ल्ड में। तो चलिए बना लेते हैं। गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई, कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर, ज़्यादा नहीं डालेंगे तेल। जीरा डाल देते हैं 1/2 चम्मच के बराबर, और 1/2 चम्मच के बराबर ही हम डाल देंगे काले सरसों के दाने। उसके बाद हम डाल देंगे पिंच भर हींग और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे 1, और 1 चम्मच के बराबर हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। मसालों को जलाएंगे नहीं ज़्यादा, तुरंत ही हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। तो ये स्प्रिंग अनियन की जो डंडियां होती हैं वो हैं, लंबे लंबे काट लिया था। शिमला मिर्च काट देते हैं 1 लंबे लंबे टुकड़ों में, और गाजर को भी काट लेंगे लंबे लंबे टुकड़ों में। इन सभी सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई किया हुआ है और कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे सब्जियों को। इसमें हम मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं अपनी, जो भी घर में होती हैं, जैसे फूल गोभी हो गई और बीन्स हो गई, लेकिन मेरे पास जितनी थी मैंने उतनी सब्जियों से बनाया है इसे। अब ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स कर देती हैं और एक जगह पे इस तरह से इकट्ठा कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मैगी मसाला डाल देते हैं 1/2 चम्मच के बराबर। चुटकी भर हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच के बराबर चाट मसाला। ऊपर से डाल देते हैं धनिया पत्ता बारीक कटे हुए, और बस मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो हमारा हेल्दी वेजिटेबल स्टिर फ्राई बनके तैयार है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।